रहीम अवज़बल शिम शौकत एंड टुडे इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द द अनदर टॉपिक दैट्स नोन एज ह्यूमन राइट्स ह्यूमन राइट्स क्या होता है डियर स्टूडेंट्स ह्यूमन राइट्स आर दोज राइट्स विच आर एसेंशियल फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग देखिए अगर हम बात करेंगे ह्यूमस की अगर इस धरती के ऊपर कोई प्रिशियस रिसोर्स है ना दैट इज द ह्यूमन सो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट किसकी होनी चाहिए ह्यूमन्स की ह्यूमन्स को आज़ादी होनी चाहिए ह्यूमन्स के ऊपर कोई शक्ल या फैटर या जंजीरें नहीं होनी चाहिए सो so, वो इंडिविजुअल यानी इंसान जो है हम लोग जो है हम फ्री होना चाहिए सो so, इस फ्री यानी हमें फ्री होना चाहिए हम अपनी डेवलपमेंट कर सकें लेकिन हम अपनी डेवलपमेंट तब कर सकते हैं जब हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा सो so, हमें क्या दिया गया है ह्यूमन राइट्स इंसान के कुछ बुनियादी हुकूक होते हैं जिन हुकूकों को वो इस्तेमाल करते हैं ताकि उसकी डेवलपमेंट हो सके उसकी डिग्निटी मेंटेन रहे सो दीज राइट्स आर इंजॉयड बाई ऑल ह्यूम्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन इन राइट्स को हर एक इंसान इस्तेमाल

human right is a concept of civilized society in which all the human beings enjoy the right to let it... फ्री एंड डिग्निफाइड लाइफ इंसान चाहता है कि मैं अपनी लाइफ अच्छे तरीके से जीऊँ फ्री होके जीऊँ इज्जतदार तरीके से जीऊँ मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए मेरे ऊपर कोई लिमिटेशन uh, नहीं होना चाहिए सो उसको क्या चाहिए उसको ह्यूमन राइट्स की जरूरत है सो हम कह सकते हैं ह्यूमन राइट्स जो है ह्यूमन राइट्स इंसान की जिंदगी के लिए ज़रूरी है बिकॉज ऑफ बींग एमन बींग सम राइट्स आर इन्हेरेंट याद रखिएगा इंसान जब माँ के कोक से जन्म ले जाता है ना कुछ राइट right उस उनके उसके इनहेरेंट होते हैं यानी जो ही वो पैदा हो जाता है वो उसको मिल जाते हैं और उन राइट्स को उनसे कोई भी नहीं छीन सकता उसके बाद यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन पब्लिकेशन ऑन ह्यूमन राइट्स 1996 डिफाइन द टर्म ह्यूमन राइट्स सो यानी ह्यूमन राइट्स को डिफाइन किसने किया है यूनेस्को ने किया है कब 1996 में उसने कॉन्सेप्ट ह्यूमन राइट्स को डिफाइन किया है उसने क्या डेफिनेशन दी है यूनेस्को ने 1996 में उसने कहा ह्यूमन बीइंग्स आर बोर्न इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स यानी ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बोर्न इक्वल सभी एक तरीके से पैदा हुए हैं एंड ऑल हैव द सेम डिग्निटी एंड ऑल हैव द सेम राइट्स एंड दीज राइट्स आर इनहेरेंट इन एवरी इंडिविजुअल्स लाइफ और ये जो राइट्स है ये तमाम इंसानों के लिए इनहेरेंट है यानी पैदा होते ही इनको ये मिल जाते हैं सो इन राइट्स को इंसान से कोई नहीं छीन सकता और ये जो राइट्स होते हैं ये राइट्स इंसान को मिलने ही मिलने चाहिए कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या कोई नेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन राइट्स का इंसान से नहीं छीन सकती सो ह्यूमन राइट्स आर वेरी नेसेसरी राइट्स उसके बाद याद रखिएगा एक टॉपिक है हमारा उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी इन ह्यूमन राइट्स को डिक्लेयर किया गया है यूनिवर्सल यूनिवर्सल मतलब सिंपली दीज ह्यूमन राइट्स आर एसेंशियल फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स यूनिवर्सली यानी तमाम यूनिवर्स के अंदर अगर हम देखेंगे सो ये राइट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन से राइट्स ह्यूमन राइट्स टेंथ दिसंबर हमेशा हर साल को हम एक डे सेलिब्रेट करते हैं उसको हम कहते हैं ह्यूमन राइट्स डे और ये ह्यूमन राइट्स डे जो हम दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज जनरल असेंबली ऑफ यू ने इसको अडॉप्ट किया है कब 10 दिसंबर 1948 को उन्होंने अडॉप्ट किया है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी इट मीन्स दैट द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और द जनरल असेंबली ऑफ़ द यूनाइटेड नेशन एडॉप्टड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑन 10 दिसंबर 1948 उसके बाद उन्होंने एक प्रपोजल भी बनाया है वो प्रपोजल उसको हम कहते हैं कॉमन स्टैंडर्ड और उस कॉमन स्टैंडर्ड का प्रपोजल का मकसद ये है कि अचीवमेंट फॉर ऑल पीपल ऑफ ऑल नेशन सिंपली हर एक नेशनस के लोगों की क्या होनी चाहिए उनकी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए उनकी डेवलपमेंट होनी चाहिए सो द यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कंसिस्टेंस ऑफ प्रियम्बल जब यूनाइटेड नेशनस ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बनाया था इसके अंदर एक प्रियम्बल रखा गया था और थर्टी आर्टिकल्स रखे गए थे याद रखी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर कितने सारे आर्टिकल है उसके अंदर एक प्रियम्बल है और थर्टी आर्टिकल्स है अकॉर्डिंग टू पार्ट फर्स्ट ऑफ द ह्यूमन डिक्लेरेशन ऑल ह्यूमन बींग्स आर फ्री बाय बर्थ और इसमें पहला आर्टिकल जो है आउट ऑफ थर्टी आर्टिकल्स उसमें यही कहा गया कहा गया है ऑल ह्यूमन बींग्स आर फ्री बाय बर्थ यानी ऑल ह्यूमन बींग्स आर फ्री बाय बर्थ एंड ऑल राइट्स एंड फ्रीडम्स इन द डिकलेशन शुड बी गिवन टू ऑल ऑन द बेस ऑफ द इक्वलिटी यानी जो भी जितने सारे ये थर्टी आर्टिकल्स नेशन ने अडॉप्ट किए हैं यूनिवर्सल डिकलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर वो सबके लिए इक्वली एप्लीकेबल होंगे ऑन द बेस ऑफ इक्वलिटी ये नहीं है कि किसी को मिलेंगे किसी को नहीं मिलेंगे सबको इक्वली मिल सकते हैं उसके बाद थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट जान लेते हैं कि मेंशन एनी फोर ह्यूमन राइट मैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट ह्यूमन राइट्स के बारे में हमें जानना है जैसे पहला वाला उसके अंदर है राइट टू लिबर्टी एंड इक्वालिटी लिबर्टी का मतलब होता है लैटिन वर्ड लिबर विच मीनस फ्री इट मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इज़ फ्री हर एक इंसान फ्री है फ्री फ्रॉम बाय बर्थ जब से इंसान पैदा हुआ है वो तब से फ्री है और वो अपनी और जब इंसान फ्री है तो वो इंडिविजुअलिज्म यानी इंडिजुअलिज्म का सिंपली मतलब होता है एवरी इंडिविजुअल इज फ्री टू डेवलप हिज आर हर पर्सनैलिटी और हर एक इंसान अपनी डेवलप पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकता है एंड दिस राइट टू इक्वैलिटी एंड लिबर्टी इज़ वट एक्स ए गिवन टू ऑल ऑन द बेसिस ऑफ इक्वलिटी सबको मिलेगा ये वाला राइट right कौन सा राइट टू लिबर्टी एंड इक्वैल टी उसके बाद दूसरा राइट जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर है दट इज द इक्वलिटी बिफोर लॉ इट मीन्स दैट ऑल पीपल ऑफ द होल वर्ल्ड आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड लॉ विल इक्वली प्रोटेक्ट ऑल द पीपल ऑन द होल वर्ल्ड यानी लॉ हर एक को लॉ सब के लिए सेम होगा उसके बाद राइट टू तो मूव एंड रिजाइड आर्टिकल थर्टीन गारंटीज एवरी प परसन हैज़ द राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द स्टेट यानी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी ये एक आर्टिकल है कि हर एक इंसान जो सिटीज़न होगा या नॉन सिटीज़न होगा वो कहीं पे भी घूम सकता है आराम से रह सकता है अपना मकान बना सकता है उसको कोई कुछ नहीं कह सकता बट देट ऑल शुड बी लीगली एवरी पर्सन हैज़ राइट एंड रिजाइड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेटरी ऑफ द कंट्री वो कहीं पर भी सेटल हो सकता है

पर्सन फ्रॉम इंडिया हैज सिटीजनशिप ऑफ इंडियन गवर्नमेंट सो अगर वो चाहता है कि वह अमेरिका का सिटीजन बने हाँ वह बन सकता है बट उसके लिए हर एक कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ सर्टन प्रोविजन होते हैं जैसे इंडिया के अंदर अगर कोई बंदा इंडिया का सिटीजन है वो अमेरिका का सिटीजन बनना चाहता है सो so, उस केस में क्या होगा इंडिया सिंगल सिटीजनशिप पर बिलीव करता है और प्रोविजन है सिंगल सिटीजनशिप का उसकी इंडियन सिटीजनशिप कैंसिल होगी हाँ वह अमेरिका का सिटीजन बन सकता है सो इन शॉर्ट हम कहेंगे ह्यूमन राइट आर दोज राइट Which are essential for all round development of human beings, and these rights are essential for the human dignity as well, enjoyed by everyone without any discrimination. Hope so, you understood this lecture. Before concluding my topic, I am requesting my all wishers do not forget to subscribe my channel. The name of my channel is Oshin's Education Origin of Creative Energies and Neuroscience, started by Darshokar. Thank you so much.